गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल कैन नॉट। प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, लेकिन एनिमल जो है इस प्रोसेस को नहीं कर सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट। एनिमल को जो है अपना फूड कहां से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है इधर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली मिलता है, या वो क्या करते हैं बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट, या फिर वो क्या करते हैं ऐसे एनिमल को अपना फूड बनाते हैं जो क्या करते हैं प्लांट को ईट करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, कुछ इस टाइप के एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं दोनों प्लांट और एनिमल को ईट करते हैं। रिकॉल दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर करते हैं फूड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग। तो सभी को क्या, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है फूड की, फॉर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ऑल द पार्ट, सभी पार्ट की फंक्शनिंग के लिए, या किसी वर्क करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिएंट को जो रिक्वायर्ड होते हैं एंड मोड ऑफ टेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड है कि न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है एंड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड क्या है एंड कैसे बॉडी के अंदर उसका यूज होता है। वी हैव स्टडी, हमने सेवन्थ क्लास में क्या स्टडी किया कि फूड कंसिस्ट करता है मैनी कंपोनेंट को, और वो कौन कौन से कंपोनेंट है लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या हमारे फूड के कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट स्टूडेंट आपको ये लिस्ट कंप्लीट करनी है कि आपने सिक्स क्लास में कौन कौन से कंपोनेंट रीड किए हैं जो फूड में होते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए सब्सटेंस है। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच बॉडी इसका यूज नहीं कर सकती। सो इसको क्या करना पड़ता है, हमें स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, जो हम स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, हमने इसको प्रोसेस किया तो ये किस फॉर्म में गया, हमारे पास सिंपलर फॉर्म में गया। तो द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, हमारे पास क्या है, डिफरेंट एनिमल के पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेज होते हैं फूड को लेने के, कि कैसे कैसे वो अपने फूड को लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरी करता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक करते हैं नेक्टर ऑफ द प्लांट, प्लांट के नेक्टर को सक करते हैं, तो वही उनके लिए क्या है, फूड है। इन्फेंट ऑफ द ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल क्या करते हैं, फीड रहते हैं किस पर, मदर मिल्क पर। ठीक है, तो स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो करता है, ठीक है, द एनिमल दे प्रे अपॉन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्नेक एंड पाइथन क्या करता है, स्वेलो से अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलते हैं अपने फूड को। ठीक है, तो सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। तो ये क्या करता है, जो कुछ एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं, ये क्या करते हैं, जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं उन इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाते हैं। फिर हमारे पास क्या है, एक्टिविटी 2.1 है। इस 2 पॉइंट एक्टिविटी क्या है कि हमें व्हाट टाइप ऑफ फूड, कि किस टाइप का फूड किस एनिमल के लिए रिक्वायरमेंट होती है एंड किस टाइप का मोड उस एनिमल के लिए यूज करता है उस फूड को लेने के लिए, तो ये आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि आंट है, यहाँ पे आंट क्या करती है, किस टाइप का फूड लेती है, वीट लेती है, बाजरा लेती है। ठीक है, तो वो उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, वो चीविंग से उस फूड को लेती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अमेजिंग फैक्ट है। अमेजिंग फैक्ट क्या है कि स्टारफिश हमें दिखाई दे रही है, वो स्टारफिश अपने फूड को कैसे लेती है। ठीक है, स्टारफिश में क्या होता है, ये एक हार्ड सेल की बनी होती है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। जब ये ओपन होता है तो स्टारफिश का क्या है, जो स्टमक होता है वो पॉप आउट बाहर की तरफ आता है एंड जो भी एनिमल आता है उसके ऊपर वो क्या कर लेती है, उसे अंदर कर लेती है एंड द स्टमक भी क्या होता है, अगेन देन गोज बैक इन टू द बॉडी, बॉडी के अंदर चला जाता है एंड फूड इज वहां पर क्या होता रहता है, स्लोली स्लोली वो डाइजेस्ट होता रहता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है।
ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन को रीड करने के लिए सबसे पहले हमें उसके ह्यूमन ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड उसे यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू बी द फूड इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी के अंदर जो हम फूड लेते हैं उस फूड का क्या होता है। द फूड प्रोसेस थ्रू ए कॉन्टिन्यूस कनाल, फूड क्या है यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस जो कनाल हमें दिखाई दे रही है, फूड पाइप, उससे क्या फूड हमारे अंदर जाता है, ठीक है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, जो कैनाल है ये क्या वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारे पास क्या बक्कल कैविटी है, देन सलाइवरी ग्लैंड है, देन क्या है ओएसोफेगस है, देन क्या है लीवर है, गल ब्लैंडर है, स्टमक है, देन पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर क्या है यहाँ पे रेक्टम है एंड एनस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे जो कंपार्टमेंट है फूड के वो क्या क्या है, बक्कल कैविटी है, फूड पाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं ओएसोफेगस बोलते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एंडिंग इन द रेक्टम, इसके एंड में क्या है रेक्टम है एंड एनस है। इट इज नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये क्या है बहुत लंबा, क्या है बहुत लंबा पाथ। दीज पार्ट टुगेदर, ये जब पार्ट क्या करते हैं एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रेवल, जैसे जैसे फूड ट्रेवल करता है तो उसके जो फूड के कंपोनेंट है वो डाइजेस्ट होते रहते हैं वेरियस कंपार्टमेंट में। एंड द इनर वॉल जो होती है हमारी, जो इनर वॉल है, इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं विद द कैनाल सच है, जिसमें क्या है सलाइवरी ग्लैंड है एंड लीवर है एंड पैनक्रियाज है। इन सभी का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है एंड ये क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं जिससे क्या हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट करता है, डाइजेस्टिव जो जूस है वो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द फूड को इनटू सिंपलर वंस में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड क्या करते हैं टुगेदरली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, कंप्लीट हमारा क्या फॉर्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमें नेक्स्ट क्या रीड करना है कि जो डिफरेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वहां पर फूड कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, तो माउथ में क्या होता है द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, सबसे पहले फूड को माउथ के थ्रू बॉडी में लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जिस प्रोसेस से हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू सिंपल पीसेस, जो फूड हम लेते हैं उसको क्या करते हैं अपने टीथ से स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ईच टूथ इज रोटेड इन सेपरेट सॉकेट, उनका अपना एक फिक्स्ड स्पेस है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, सभी टीथ क्या है उनकी अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट है एंड वो क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन को, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, इसीलिए कारण उन्हें क्या किया डिफरेंट नेम भी गिवन है। तो एक्टिविटी 2.2 हमारे पास क्या है, हमें अपने माउथ में चेक करने की हाउ मैनी टीथ, ठीक है, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट यूर टीथ, हमें पता है जो अडल्ट पर्सन होते हैं उसके टोटल कितने टीथ होते हैं 32 होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आप जब मिरर में देखते हो तो आपको कितने टाइप के वहां पर टीथ दिखाई देते हैं। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल या फिर ब्रेड और ईट, जैसे उसे क्या करते हो आप ईट करते हो तो आप क्या नोट करते हो विच टीथ डू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, किस टाइप के टीथ को आप कटिंग और बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज करते हो एंड विच वन फॉर प्रीसिंग एंड टीयरिंग टीथ, ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट यूज फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग, तो किस टाइप के टीथ है एंड उसको किस पर्पज से यूज करते हो। तो यहाँ पे हमें डायग्राम गिवन है एंड उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है 4 टाइप के इंसीजर टीथ है, देन हमारे क्या है कैनाइंस है, कैनाइंस कितने हैं 2 है, देन हमारे क्या है प्रीमोलर है, प्रीमोलर कितने हैं 4 है, देन क्या है मोलर है। तो ये हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप के टीथ हैं जो हमारे माउथ में होते हैं। उसके बाद हमें क्या है हमारे पास ये जो ये टेबल है इस टेबल को कंप्लीट करना है कि हाउ मैनी कटिंग एंड बाइटिंग टीथ इन लोअर जाओ अपर जाओ एंड टोटल कितने, तो टोटल हमारे कितने होते हैं 32 होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा, जो क्या करती है सलाइवा को सीक्रेट करती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन द फूड, कि सलाइवा का यहाँ पर क्या यूज होता है, लेट अस फाइंड आउट। तो उसके लिए क्या है हमें एक एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।